हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके में वर्ल्ड और इंडिया जीके पढ़ रहे थे। इसमें हमारा अगला टॉपिक है महासागर के बाद भूमंडलीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण का परिचय, एलपीजी मॉडल जिसमें एल उदारीकरण, पी निजीकरण और जी वैश्वीकरण का प्रतीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके कितने सदस्य हैं, फिर हम भूमंडलीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियां पढ़ेंगे जिसमें आएगी भरूच योजना, परमाणु शक्ति कमीशन की स्थापना कब हुई, फिर उसके बाद आएगा निशस्त्रीकरण कमीशन की स्थापना, आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि CTBT, फिर उसके बाद आएगा सीमित परीक्षण प्रतिबद्ध संधि LTBT, फिर इसके बाद आएगा परमाणु अप्रसार संधि NPT, फिर इसके बाद आएगा जैव रासायनिक निषेध संधि 1993, जैव रासायनिक निषेध संधि, फिर इसके बाद आएगा साल्ट सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता, फिर इसके बाद आएगी CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, फिर इसके बाद आएगी व्यापक आणविक परीक्षण निषेध संधि पुनरीक्षण सम्मेलन अक्टूबर 1999 में वीना ऑस्ट्रिया में, फिर इसके बाद आएगी स्टार्ट सामरिक अस्त्र कटौती संधि START 1, फिर इसके बाद आएगी START 2, फिर इसके बाद आएगा निशस्त्रीकरण दशक कब मनाया गया 1970-80 में, फिर आएगा समुद्र तल पर आणविक हथियारों तथा दूसरे हथियारों के रखने पर निषेध से संबंधित संधि 1971, फिर इसके बाद आएगी जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन, फिर आएगी तारक युद्ध योजना, फिर आएगी INS संधि, फिर इसके बाद आएगा ईरान परमाणु कार्यक्रम, फिर इसके बाद आएगा भारत का नाभिकीय सिद्धांत, फिर आएगा 1-2-3 समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, फिर इसके बाद आएगा एंजस समझौता 1951, फिर इसके बाद आएगा सीटो 1954, फिर आएगा सेंटो 1958, फिर इसके बाद आएगा डंकल ड्राम। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और भूमंडलीकरण। सबसे पहले आता है कि 1991 में स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। 1991 में किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1991 में घोषित नई आर्थिक नीति में एलपीजी मॉडल अपनाया गया। 1991 में जो आर्थिक नीति घोषित हुई थी उसमें एलपीजी मॉडल अपनाया गया, जिसमें एल किसका प्रतीक है, उदारीकरण का, पी है निजीकरण का और जी वैश्वीकरण का अर्थात भूमंडलीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। भूमंडलीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु, सेवा, पूंजी या बौद्धिक संपदा का बिना किसी प्रतिबंधों के आदान प्रदान करना भूमंडलीकरण कहलाता है। निजीकरण में आएगा कि निजी क्षेत्र को वह उद्योग स्थापित करने की छूट प्रदान करना जिन्हें पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा जाता था, निजीकरण कहलाता है। निजी क्षेत्र को वह उद्योग स्थापित करने की छूट प्रदान करना जिन्हें पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा जाता था, निजीकरण कहलाता है। फिर आएगा उदारीकरण, जिसमें निजी क्षेत्र पर सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियमों और प्रतिबंधों में छूट प्रदान की जाती है, उदारीकरण कहलाता है। जो निजी क्षेत्र हैं उनमें सरकार द्वारा लगाए गए नियमों और प्रतिबंधों में थोड़ी ढिलाई बरती जाती है और उन्हें छूट प्रदान की जाती है, वो क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है वो इसके विश्व व्यापार संगठन जिसके 157 सदस्य हैं के माध्यम से विभिन्न देशों में आम सहमति निर्मित कर संचालित हो रही है। जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिसके 157 सदस्य हैं, ये विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से विभिन्न देशों में आम सहमति निर्मित कर संचालित हो रही है। अब आता है अपने भूमंडलीकरण की क्या विशेषताएं होती है कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मिलाकर एकीकृत किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध प्रवाह होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। सरकार की राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है। अब आता है परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियां। पहली आती है भरूच योजना, जो कि जून 1946 में संयुक्त राष्ट्र परमाणु शक्ति कमीशन के सामने एक योजना रखी गई जिसे
भरूच योजना के नाम से जाना जाता है। जून 1946 में संयुक्त राष्ट्र परमाणु शक्ति कमीशन के सामने यह भरूच योजना रखी गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, भरूच योजना के नाम से जाना जाता है। इस भरूच योजना के अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया गया कि एक संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु विकास सत्ता की स्थापना की जाए। भरूच योजना का प्रस्ताव क्या था कि एक संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु विकास सत्ता की स्थापना की जाए। इसके बाद आता है परमाणु शक्ति कमीशन की स्थापना कब हुई, तो महासभा द्वारा अपने 24 जनवरी 1949 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र एटॉमिक एनर्जी कमीशन अर्थात परमाणु शक्ति कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 24 जनवरी 1949 के प्रस्ताव द्वारा, महासभा द्वारा। अब आता है अगला, निशस्त्रीकरण कमीशन की स्थापना। निशस्त्रीकरण कमीशन की स्थापना हुई थी 1952 में, महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा निशस्त्रीकरण कमीशन की स्थापना की। फिर अमेरिका ने 1951 में और सोवियत संघ ने 1952 में अपने प्रथम हाइड्रोजन शक्ति परीक्षण किए थे। उसके बाद 1952 में महासभा ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर निशस्त्रीकरण कमीशन की स्थापना की। फिर आता है आंशिक परमाणु प्रतिबद्ध संधि CTBT अर्थात अणु परीक्षण संधि या पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये CTBT जो है यह मॉस्को में की गई थी। ये CTBT संधि 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, सोवियत संघ अर्थात रूस और ब्रिटेन के मध्य आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए। कब हुए, 5 अगस्त 1963 को हुए थे CTBT संधि पर हस्ताक्षर रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य, जिसमें जल और आकाश में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि CTBT में किन परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई, जल और आकाश में, थल पर नहीं लगाई गई थी, इसमें जल और आकाश में लगाई गई थी परमाणु परीक्षणों पर रोक। भारत ने इस आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि CTBT पर कब हस्ताक्षर किए थे, 1965 में हस्ताक्षर किए थे भारत ने। फिर आता है सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि LTBT, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी। यह हुई थी 1963 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के मध्य 1963 में सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि LTBT पर हस्ताक्षर हुए। LTBT पर कब हस्ताक्षर हुए, 1963 में। इसमें जल, आकाश और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई। CTBT में तो जल और आकाश पर रोक लगाई गई थी परमाणु परीक्षणों पर, जबकि LTBT में जल, आकाश और अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई गई। उसके बाद आता है 1965 में भारत ने सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि LTBT पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आती है अपने परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ये परमाणु अप्रसार संधि जो है NPT, ये 1968 में मूल रूप से अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि जो है ये 1968 में मूल रूप से किसके बीच हुई थी, USA, रूस और ब्रिटेन के बीच हुई थी। 1992 में चीन और फ्रांस ने इसके अनुमोदित किया था, चीन और फ्रांस भी इसे जुड़ गए 1992 में। 1 जनवरी 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके देशों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना गया। जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके थे उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना गया। और ये 5 राष्ट्र कौन से थे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन थे। फिर ये NPT आई, इस संधि के तहत व्यवस्था की गई कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु तकनीक उपलब्ध नहीं करवाएंगे। जिनके पास परमाणु तकनीक नहीं है उन राष्ट्रों को ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु तकनीक उपलब्ध नहीं करवाएगा और न ही ये देश किसी और देश से परमाणु हथियार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि जो है ये 5 मई 1970 से 25 वर्षों के लिए लागू की गई थी। परमाणु अप्रसार संधि जो है ये 5 मई 1970 से 25 वर्षों के लिए लागू की गई। 1995 से इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम यह 25 वर्षों के लिए लागू की गई 5 मई 1970 से, फिर 1995 से इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान ने
इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये परमाणु अप्रसार संधि जो है एनपीटी, इस पर भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और इस परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर कुल 190 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उत्तर कोरिया जो देश है उसे इस परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से बाहर कर दिया गया है। भारत के अनुसार यह संधि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देती है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आती है अपने जैव रासायनिक निषेध संधि, यह हुई थी 1993 को, और लागू कब हुई है, 1997 में लागू हुई, और इसका उद्देश्य क्या था, जैविक हथियारों को समाप्त करना था, इस जैव रासायनिक निषेध संधि का उद्देश्य था। इस संधि के तहत जैव रासायनिक संधि संगठन की स्थापना की गई, जिसने 2013 में सीरिया में जैविक हथियारों को नष्ट करने की कार्रवाई की थी। सीरिया में जो जैविक हथियार नष्ट हुए थे 2013 में, इस संधि के तहत जैव रासायनिक संधि संगठन की स्थापना की गई थी, जिसने 2013 में सीरिया में जैविक हथियारों को नष्ट किया था, और ये कब लागू हुई थी, 1997 में। फिर आती है आठवीं, साल्ट सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता, और ये किसके बीच हुई थी, साल्ट अमेरिका तथा सोवियत संघ अर्थात रूस के मध्य हुई थी ये साल्ट संधि। इस संधि को साल्ट नाम अमेरिकी हथियारों को सीमित करने के विषय में अमेरिका तथा रूस के बीच वार्ता के कारण दिया गया था। साल्ट नाम अमेरिकी हथियारों को सीमित करने के विषय में अमेरिका तथा रूस के बीच वार्ता के कारण दिया गया था। मई 1972 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन की रूस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना था। साल्ट जब समझौता हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन थे। उनकी रूस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, इस सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना था। 1974 में 1974 में यह साल्ट संधि लागू हुई। इस संधि में मिसाइलों और परंपरागत हथियारों में कटौती करने पर बल दिया गया। मिसाइलों और परंपरागत हथियारों में कटौती करने पर बल दिया गया। इस समझौते द्वारा दोनों राष्ट्रों ने अपने हथियारों को सीमित करने का संकल्प लिया। फिर उसके बाद आई साल्ट टू। साल्ट टू कब लागू हुई, 1979 में। साल्ट वन तो लागू हुई थी 1974 में, साल्ट टू लागू हुई है 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ अर्थात रूस के मध्य। हालांकि इस साल्ट टू पर हस्ताक्षर 1974 में ही हो गए थे, लेकिन अफगान संकट आ जाने के कारण इस साल्ट टू को लागू नहीं किया जा सका। अफगान संकट आ गया था 1974 में, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। और लागू कब हुई साल्ट टू, 1979 में। फिर अपने अगली आती है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। फिर उसके बाद आएगी व्यापक आणविक परीक्षण निषेध संधि, व्यापक आणविक परीक्षण निषेध संधि। फिर इसके बाद आएगी स्टार्ट सामाजिक अस्त्र कटौती संधि, स्टार्ट वन। फिर इसके बाद आएगी स्टार्ट वन के बाद निशस्त्रीकरण दशक, समुद्र तल पर आणविक हथियारों तथा दूसरे हथियारों के रखने में निषेध से संबंधित संधि। फिर जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन, तारक युद्ध योजना, INS संधि, ईरान परमाणु कार्यक्रम, भारत का नाभिकीय सिद्धांत, 123 समझौता, एंजस समझौता, सीटो और सेंटो। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, डंकल ड्राफ्ट। तो कल अपने ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।